नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों यहां पे हम बात करने वाले हैं आज जो साउथ अफ्रीका टी20 का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा DSG वर्सेस JSK के बीच में, उसको लेके हम डिटेल्स में देखेंगे परखेंगे फिर हम बात करेंगे अपनी फैंटेसी टीम को लेके। मैच टाइमिंग को लेके बात कर लेंगे तो मुकाबला आज रात 9 बजे खेला जाएगा किंग्समिट डरबन में। और दोस्तों टॉस के बाद प्लेइंग 11 आने के बाद अगर हमारी टीम में कुछ भी फेरबदल होंगी उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे देने वाला हूं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहां पे जाने के बाद आपको सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लेने हैं। और मेरे दोस्त अगर आप लोगों में से अभी भी कोई भाई ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले क्या करना है, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना है। बाकी अगर पिच को लेकर बात कर लेंगे, मुकाबला किंग्समिट डरबन में खेला जाएगा। यहाँ पे एवरेज स्कोर आता है 160-170 के बीच में, हाईएस्ट टोटल है 226, लोएस्ट टोटल है यहाँ पे 59। अगर हम देखेंगे वेन्यू पे T20 स्टेट्स, टोटल मुकाबले खेले गए 87, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है 47, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है 39। अगर हम स्कोरिंग पैटर्न के ऊपर ध्यान देंगे, बिलियो स्कोर 150 बने वो 34 टाइम्स, बिटवीन विन 150-169 बने 26 टाइम, फिर बिटवीन 170-189 बने 15 टाइम्स, अबव 190 बने 12 टाइम्स। अब भैया बात करते हैं रिसेंट मैच जिस वेन्यू के ऊपर खेला गया है, वो सबसे लास्ट मुकाबला खेला गया था 3 सितंबर 2023 को, जहां पे अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करते हुए लगाई थी 190, जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम लगाई थी 191 रन 5 विकेट नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग पेसर 6 विकेट, स्पिनर 1 विकेट, सेकंड इनिंग पेसर 2 विकेट, स्पिनर 3 विकेट। अगर हम बात करें उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था 1 सितंबर को, जहां पे साउथ अफ्रीका लगाई थी 164, ऑस्ट्रेलिया लगाई थी 168 रन 2 विकेट नुकसान पे महज 15 ओवर में। फर्स्ट इनिंग पेसर 8, स्पिनर 0, सेकंड इनिंग पेसर 1, स्पिनर 1। एक और मुकाबला हुआ था 30 अगस्त 2023 को, जहां पर ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पे लगाई थी 226, साउथ अफ्रीका 115। फर्स्ट इनिंग पेसर 5, स्पिनर 1, सेकंड इनिंग पेसर 6, स्पिनर 4। अगर हम बात करेंगे पेस वर्सेस स्पिन, लास्ट के 5 T20 मैच में पेसर्स को मिले हैं 43 विकेट, स्पिनर को मिले हैं महज 14 विकेट। अब दोस्तों अगर हम बात करें हेड टू हेड को लेके, डरबन सुपर जायंट्स और MI कैप्टन के बीच में हुए टोटल 2 मुकाबला, दोनों मैच जो है डरबन सुपर जायंट्स विन की है। DSG की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे लास्ट 5 T20 मैच को लेके लॉस लॉस विन नो रिजल्ट विन करके आ रही है। और अगर हम बात कर लेंगे MI कैप्टन को लेके तो विन लॉस 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 करके आ रही हैं। दोस्तों आज के टाइम में फैंटेसी आप किस एप्लीकेशन पे खेल रहे हो वो ज्यादा मायने रख लेता है। रीजन क्या है कि वो एप्लीकेशन GST फ्री है कि नहीं, वो एप्लीकेशन जेन्यून है कि नहीं, कमीशन जो है दूसरे ऐप की तुलना में कम है कि नहीं, और इंस्टेंट विड्रॉल आपको दे रही है कि नहीं। तो अगर आप मुझसे पूछोगे मैं किस एप्लीकेशन के ऊपर अभी के टाइम में सबसे ज्यादा विश्वास करता हूँ, सबसे ज्यादा खेलता हूँ, वो है 11 चैलेंजर्स। इसका प्रॉपर रीजन क्या है, कबड्डी में आपको देखने को मिल जाएगा एक तो 5 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड, उसके बाद 1.5 लाख रुपीज का मेगा ग्रैंड लीग कंफर्म। अगर मान लो ये कंटेस्ट फिल नहीं होती है तो ये अमाउंट कम नहीं होगा, सबसे बड़ी बात आपके लिए ये है। उसके बाद आप दूसरे एप्लीकेशन की तुलना में इस पे अगर जाकर देखोगे तो भाई सब सबसे लोएस्ट एंट्री फी है। जैसे कि अगर आप ड्रीम को उठा लोगे उसके यहाँ पे 5750 रुपीज है, जहाँ पे आपको मिलेगा 10,000 रुपीज, ये आपसे लेती है 5449 रुपीज। वहीं पे आपको लगेगा 3850 रुपीज 10,000 रुपीज के लिए, ये आपसे लेती है 3699 रुपीज। वहीं ड्रीम आपसे लेंगी 2999 रुपीज 10,000 रुपीज के लिए, ये आपको लेगी 2756 रुपीज। तो दोस्तों मेरा अल्टीमेटली कहना है ना, ग्रैंड लीग को लेकर ड्रीम इलेवन बेस्ट है, उसकी कोई तोड़ नहीं है। अगर आप GL लवर हो तो आपके लिए ड्रीम इलेवन के ऊपर, अगर आप स्मॉल लीग से अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हो तो भाई साहब आपके लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन में से एक है 11 चैलेंजर्स। ये आपको डेली इंस्टेंट विड्रॉल भी देंगी, और सबसे बड़ी बात जो मुझे इस एप्लीकेशन की लगती है कि अगर आपने मान लो एक बार विड्रॉल कर लिया उसके बाद आपको फिर से पैसा की जरूरत है तो ये आपको दिन में 5 बार तक इंस्टेंट विड्रॉल देंगी। जी हाँ, कोई और एप्लीकेशन का नाम बताना जो एक दिन में आपको 5 बार इंस्टेंट विड्रॉल देती हो। तो देरी किस बात की है, अपनी सफर स्टार्ट कीजिए 11 चैलेंजर्स के ऊपर। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं DSG की पॉसिबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर, आपको दिख जाएंगे क्विंटन डिकॉक, कैले मेयर्स, VTGK, उसके अलावा निकोलस पूरन, हेनरिक क्लासन, प्रिटोरियस, डब्लू मल्डर, उसके बाद महाराज सुब्रियन, जूनियर डाला और टॉपले। अगर हम बात करें गेंदबाजी में तो इनके पास टॉपले, जूनियर डाला, सुब्रियन, उसके अलावा महाराज और यहां से पिटोरियस, ये पांचों को अच्छा खासा स्पेल डालना चाहिए। अगर किसी का दिन बुरा होता है जैसे कि सुब्रियन का, तो वो ओवर जाएगा डब्लू मल्डर के खाते में। विकेट के पीछे आपको विकेट कीपिंग करते दिखेंगे यहां पे क्विंटन डिकॉक, और जरूरत पड़ी तो कुछ ओवर जो है नए बॉल से
कैले मेयर्स भी आपको डालते नजर आ सकते हैं। अब आइए हम प्लेयर स्टैट्स को लेकर बात कर लेते हैं। क्विंटन डिकॉक हेड टू हेड 2 मैच 74 रन, वेन्यू पर 14 मैच में 468 रन, 42 का एवरेज है। रिसेंटली 20-23-0-23-38 करके आ रहे हैं। कैले मेयर्स हेड टू हेड 1 मैच में 34 रन 1 विकेट, वेन्यू पे 3 मैच 78 रन 1 विकेट, रिसेंटली 12 रन 0 विकेट 0 रन 17-35-61। मैथ्यू को लेकर बात कर लेंगे। बीटीजीके का देखिएगा, हेड टू हेड 1 मैच में 48 रन, वेन्यू पे महज 5 मैच में 53 रन, रिसेंटली 36-4-16-42-3 करके आ रहे हैं। फिर निकोलस पुरन को लेकर बात कर लेंगे। रिसेंटली 10-39-82-5-13 किए हुए, क्लास एन हेड टू हेड 2 मैच में 36 किए हैं, वेन्यू पे 14 मैच में 25 का एवरेज है, 253 रन है। रिसेंटली 21-6-5-7 डीएन पिटोरियस हेड टू हेड 2 मैच में 2 विकेट, वेन्यू पे 19 मैच में 17 विकेट 117 रन, रिसेंटली 1 विकेट 10 रन 1 विकेट 15 रन 9 रन 0 विकेट 15 रन 0 विकेट। फिर हम बात करेंगे मल्डर को लेकर। हेड टू हेड 2 मैच में 37 रन 1 विकेट, वेन्यू पे 11 मैच में 194 रन 7 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। केशव महाराज हेड टू हेड में 2 मैच में 1 विकेट, वेन्यू पे 49 मैच में 45 विकेट, रिसेंटली 6-14 रन 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट। फिर सुब्रियन, ध्यान रखिएगा मिनी जीएलजीएल आपको यही निकलवाएंगे। हेड टू हेड 1 मैच में 2 विकेट, वेन्यू पे 37 मैच में 31 विकेट, रिसेंटली 28 रन 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, डू नॉट बॉल और 0 विकेट। एक और विकेट टेकर गेंदबाज जूनियर डाला, वेन्यू पे 7 मैच में 7 विकेट, रिसेंटली 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट। और इस टीम को अगर चैंपियन कोई बनवाएगा तो वह है रिस टॉपले। भाई सब लगातार अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। हेड टू हेड में 2 मैच में 2 विकेट, वेन्यू पे 4 मैच में 5 विकेट, रिसेंटली 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 3 विकेट और 1 विकेट। अगर हम बात करें स्टार्टिंग ओवर्स को लेकर, आपको दिख जाएंगे मल्डर, कैले मेयर्स, रिस टॉपले। डेथ में आपको दिख जाएंगे मल्डर, जूनियर डाला और रिस टॉपले। अगर हम बात करेंगे बेंच पे, आपको दिख जाएंगे बी पर्सन्स, किमो पॉल, जे जे स्मर्ट्स, वनुका रजपस्का और जेसन स्मिथ। अगर इनमें से कोई खेल जाते हैं, स्पेशली जे जे स्मर्ट्स, तो आप जरूर बैक कीजिएगा, आपके लिए क्वालिटी वाले पिक यहाँ पे बन जाएंगे। अब भाई हम बात करते हैं एमए कैप्टन की पॉसिबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर क्या हो सकता है। डिवाल्ड ब्रेविस के साथ मुझे लगता है रॉयल एप्सन आपको ओपन करते दिख जाएंगे। उसके अलावा आपको वन डाउन पे डसन दिखेंगे, फिर लिविंगस्टन, देन आफ्टर रिकल्टन। रिकल्टन भी कभी कभी ओपन करते हैं, ध्यान रखिएगा। किरण पोलार्ड, सैम करन, जॉर्ज लिंडे, हेंड्रिक्स, रवाडा, ओस्टोन, इनकी भी टीम मुझे काफी बैलेंस नजर आ रही है और बेहतरीन टीम है। गेंदबाजी की बात कर लेंगे, स्टोन, रवाडा, हेंड्रिक्स, जी लिंडे, और यहाँ पे जी लिंडे का स्पेल कट भी सकता है। रीजन सामने जो है अच्छे खासे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, चाहे वो मेयर्स हो, चाहे वो निकोलस पुरन हो, चाहे वो क्विंटन डिकॉक हो, तो इनका स्पेल कट के किसके पास जाएगा, लिविंगस्टन के पास जाएगा। फिर यहाँ पे सैम करन आपको दिख जाएंगे अच्छे गेंदबाजी करते हुए। मुझे लगता है कि लिविंगस्टन यहाँ पे 3 से लेकर 4 ओवर तक का स्पेल आपको डालते नजर आ सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो किरण पोलार्ड भी अपना जो है कुछ स्पेल यहाँ पे आपको डालते नजर आ सकते हैं। अब आइए हम प्लेयर स्टैट्स को लेकर बात कर लेते हैं। डिवाल्ड ब्रेविस हेड टू हेड 2 मैच में 13 रन, वेन्यू पे 3 मैच में 18 रन, रिसेंटली 0-1-31-0-5। लैम लिविंगस्टन हेड टू हेड यहाँ पे नॉट अवेलेबल है, वेन्यू पे 1 मैच 32 रन 0 विकेट, रिसेंटली 28-54-30 रन 0 विकेट, 17-27 रन 0 विकेट। राशि वंडर डुसन हेड टू हेड 2 मैच में 44 रन, वेन्यू पे 18 मैच 404 रन 32 का एवरेज, रिसेंटली 2-36-0-6-76 करके आ रहे हैं। फिर आपको दिख जाएंगे ग्रांट रॉलप्सन, एक और हार्ड हिटर बल्लेबाज, हेड टू हेड 2 मैच में 62 रन, वेन्यू पे 5 मैच में 69 रन, रिसेंटली 12-70-6-5-1 करके आ रहे हैं। रेयन रिकल्टन T20 में आने वाले टाइम में खोज हो सकते हैं इनका। हेड टू हेड 1 मैच में 14 रन, वेन्यू पे 10 मैच में 75 रन, रिसेंटली 6-20-5-44-69। कैरन पोलार्ड वेन्यू पे 8 मैच में 230 रन 3 विकेट, रिसेंटली 22-9-14-9-8 करके आ रहे हैं। और आपको दिख जाएंगे एक और चैंपियन सफिलियर लीग में, तो वैसे हमेशा इनका एक बेहतरीन परफॉर्मेंस होता है, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो। इनका रिसेंटली देखोगे 12 रन 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 50 रन 1 विकेट 13 रन 0 विकेट। जॉर्ज लिंडे हेड टू हेड 2 मैच में 38 रन 1 विकेट, वेन्यू पे 14 मैच में 141 रन 13 विकेट, रिसेंटली 37 रन 1 विकेट 55 रन 1 विकेट 88 रन 2 विकेट 18 रन 2 विकेट 1 विकेट। फिर आपको दिख जाएंगे बी हेनरिक्स, वेन्यू पे 14 मैच में 15 विकेट, रिसेंटली 3 विकेट 18 रन 3 विकेट 2 विकेट 0 विकेट और 1 विकेट। हेड टू हेड 1 मैच में 0 विकेट। देन आफ्टर आपको दिखेगा कगिसो रवाडा, एक और बेहतरीन विकेट टेकर गेंदबाज, हेड टू हेड 1 मैच में 3 विकेट, वेन्यू पे 11 मैच में 19 विकेट, रिसेंटली 4 विकेट 7 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट। और स्टोन भाई सब इनका भी है, आप कह सकते हो कि डेथ स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, और नीचे में आके अच्छा विकेट लेके जाएंगे। हेड टू हेड 1 मैच में 4 विकेट हैं, रिसेंटली 0 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट और 1 विकेट। स्टार्टिंग ओवर्स को लेकर बात कर लेंगे, आपको दिख जाएंगे सैम करन, कगिसो रवाडा, ओस्टोन, डेथ में दिख जाएंगे आपको बी हेनरिक्स, रवाडा और ओस्टोन। अगर हम बात कर लेंगे इनके बेंच पे कौन दिखेंगे, सी बेंजामिन, टॉम बेंटन, डी पोटिगेटर, टी केबर, उसके अलावा आपको दिख जाएंगे यहाँ पे कोनर और ड्वेन जॉनसन। मुझे लगता है ये टीम कभी भी टॉम बेंटन को स्टार्टिंग 11 में लेके आ सकते हैं।
अगर इनमें से कोई खेल जाते हैं तो आपके सामने स्टेट्स होगा, इसको देखते आप लोग उनको बैक करके चल सकते हो। बाकी दोस्तों हम बात करते हैं फिलहाल अपनी डेमो टीम को लेकर। ध्यान रखिएगा फाइनल टीम में ढेर सारे बदलाव होंगे और उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे देने वाला हूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लेना है। फिलहाल मैंने विकेट के पीछे क्विंटन डी कॉक को लिया हुआ है, देन आफ्टर मैंने निकोलस पुरन को लिया हुआ है। बैटिंग से अभी के लिए मैंने पोलार्ड को लिया है, लेकिन मैं फाइनल टीम में हो सकता है इनको ड्रॉप कर दूं। फिर मैंने डसन के साथ कैले मायर्स को लिया हुआ है। ऑलराउंडर से मैंने प्रिटोरियस, लिविंगस्टन, जिलिंडे और सैम करन को लिया हुआ है, और हो सकता है मैं सामने लेफ्टी को देखते हुए लिंडो को भी फाइनल टीम में ड्रॉप कर दूं। इस वजह से मैं कह रहा हूं टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन कर लेना। उसके बाद मैंने कगिसो रवाडा, रिस टॉपले को लिया हुआ है। कैप्टन विशु को लेकर बात कर लूं तो मैंने कैप्टन से फिलहाल सैम करन को दिया हुआ है। वीसी में या तो लिविंगस्टन को दूंगा या फिर प्रिटोरियस को दूंगा, अभी के लिए मैंने प्रिटोरियस को वीसी दिया हुआ है। और ये मेरा फाइनल टीम है फिलहाल सभी एप्लीकेशन के लिए। इसमें से अगर मैं कुछ फेरबदल करता हूं तो मैं आपको टेलीग्राम पे उसका अपडेट दे दूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएल जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।